स्टॉक जीनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं शानदार स्टॉक ग्रैसिम के बारे में। यहां पर हम डिस्कस करेंगे क्या होने वाले हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स, क्या होंगे टारगेट्स एंड क्या स्ट्रेटजी हम लेकर चलें 13 अप्रैल के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बात करते हैं जैसे ही आज के दिन स्टॉक ओपन होता है। देखिए, गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन होता है और लगातार गिरावट का सिलसिला देखने को मिल रहा है। बात करते हैं ट्रेडेड प्राइस की, 1766 रुपये पर ट्रेड करता हुआ अभी तक स्टॉक नज़र आ रहा है। देखिए, अच्छी खासी तेज़ी दिखाने के बाद आज के दिन स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। रेड बेयरिश कैंडल अभी तक स्टॉक बनाकर दिखा रहा है। बात करें सपोर्ट की, तो नीचे की तरफ एक सपोर्ट आपको ज़रूर लेकर चलना है दोस्तों, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक होता है फिर गिरावट का सिलसिला हमें देखने को मिल सकता है। तो नीचे की तरफ 1720 रुपये का एक सपोर्ट आपको यहां पर ज़रूर लेकर चलना है। बात करें टारगेट्स की, यहां से अगर अपमूव फिर से वापस आता है स्टॉक में, तो ऊपर की तरफ नेक्स्ट टारगेट जो कि जल्द ही अचीव करेगा वो करेगा 1850 रुपये का टारगेट। जी दोस्तों, ऊपर की तरफ 1850 रुपये का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो 1850 का टारगेट रहने वाला है ग्रैसिम में। और बात करें क्या स्ट्रेटजी यहाँ पर अपनाएं, क्या यहाँ पर बाइंग करें या अभी थोड़ा वेट करें। दोस्तों, हमारे अनुसार इन लेवल्स पर भी आपको वेट एंड वॉच की ही स्ट्रेटजी अभी अपनानी पड़ेगी अगर आप बाइंग करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही ग्रैसिम शामिल है, कंटिन्यू होल्ड करें, बिल्कुल भी सेल ना करें। जैसे ही बाइंग का शानदार मौका बनता है हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, सपोर्ट्स का बिल्कुल ध्यान रखें, स्टॉप लॉसेस लगाकर काम करें। तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।